बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्नाटक में चुनावी सरगर्मी तेजी पर है। वहां प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो दिवसीय कर्नाटक दौरा किया, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर तीखे हमले किए। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और बजरंगबली के मुद्दे पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। भूपेश बघेल ने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा जवाब देने के लायक आदमी नहीं है। सीएम ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज प्रचार मंत्री बन गए हैं। पूर्वोत्तर जल रहा है, हमारा जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन पीएम कुछ नहीं बोल रहे। आज जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, जिस प्रकार से सीमा में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनके लिए एक शब्द उनके पास नहीं है। और यहां कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर्नाटक के लोगों के हित में क्या करेंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। चर्चा केवल अपने बारे में, अपना प्रचार कर रहे हैं और उस आधार पर वोट मांग रहे हैं। पहली बात तो यह है कि बजरंगबली और आम इंसान में फर्क आपको समझना होगा। बजरंगबली जैसा कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा ध्यानी, उससे बड़ा भक्त, उससे बड़ा बलशाली, ऐसा कोई आपको चरित्र पूरे, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, चाहे किसी में, और भगवान हनुमान जी हैं जो आपको त्रेता में भी दिखाई देते हैं, द्वापर में भी दिखाई देते हैं, आप उसकी तुलना बजरंग दल के किसी सदस्य से कैसे कर सकते हैं। और उसके बारे में गौरव वल्लभ जी, हमारे प्रवक्तागण, बहुत कुछ बोल चुके हैं, तो तुलना उनसे नहीं होना चाहिए। बजरंग बली से तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। और बात कही गई है बजरंग दल की, तो आप कितना प्रधानमंत्री होगी, कितना झूठ बोलेंगे आप? और कभी जो चीज पाकिस्तान में है उसको आप बिहार का बता देते हैं, कभी आप गोरखपुर जाते हैं तो गोरखनाथ जी और कबीर जी और गुरु नानक देव को एक साथ बिठा देते हैं, जबकि तीनों के कारण समय अलग अलग है। तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? बजरंग बली और बजरंग दल के सदस्य दोनों में बड़ा अंतर है, और उनके सदस्य लोग क्या करते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा जवाब देने लायक व्यक्ति नहीं है। जो सत्ता के लिए दल बदले और बार बार झूठ बोले, ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं समझता हूं बोल के मैं अपनी जुबान खराब नहीं करूंगा।